हेलो जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। आई होप आप सब लोग काफी ज्यादा अच्छा। आई क्या? नहीं आई क्या? ब्लॉग निकालने का नहीं आई क्या? मतलब क्या? अरे सुबह सुबह काम धंधा छोड़ के तू क्या ब्लॉग निकालते बैठता है क्या? लोग को ये भी मालूम कि तुम्हारा काम भी करता हूँ, और ऐसा वैसा काम नहीं है। 10 मिनट वीडियो देखते लोग, इधर 7 घंटा काम रहता। 7 घंटा का 7 घंटा बता नहीं सकता ना मैं, तो 10 मिनट तो भी बता सकता ना लोगों को। कुछ प्रॉब्लम है? हेलो गाइस, न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है बोलते रहता। हाँ तो तुम फिर मम्मी को इंट्रो चालू करने बोला रोज, तुम चालू करने को देख रहे? अरे बहुत क्यूट देख रहे हो, प्लीज एक बार मेरे को देख रहेगा मेरी मम्मी इंट्रो कैसे देंगे ब्लॉग का। एक बार ट्राई तो करो, मैं जैसा बोलता फिर अभी कहीं के लिए फिर मैं वहाँ पे बैठा तो सता रहे। ऐसी है भाई इंडियन मॉम की प्रॉब्लम, सारी मम्मी ऐसी ही होती है। सारी मम्मी ऐसी, दुनिया की मम्मी का छोड़, दुनिया की मम्मी को काम नहीं होता। आराम बैठ के रहते घर में, थोड़ा बहुत करते ऑफिस पीपिस, घर का काम करने की जरूरत। मम्मी देखो किसके भी काम को छोटा बड़ा बोलने का नहीं, सबका काम रहता है, ध्यान में रखने का। सबके मम्मी लोगों का उतना काम नहीं रहता, उतना काम तुम लोग ने मेरे को। अरे कैसा है ये देखो, सबके मम्मी लोग इतना काम नहीं रहते, तुम लोग इतना काम देके बैठे हो। वो बात बराबर है, सबका काम रहता। चल भाई 6 बजे इधर बैठने का काम नहीं है। अपने अपना सिचुएशन ऐसा है, अपना बिजनेस ऐसा हेड करके अपने को इतना ज्यादा काम करना पड़ता। दूसरा है तो वो लोग चलो नहीं तुम छोड़ो। अरे यार चलो यार जल्दी, मम्मी मंग मैं जा रहा, मैं बंद करके जा रहा हूँ। हमारा सिट्टी किसी बिट्टी किसी, चलो ना पानी ऐड कर रहा हूँ भाई इसके अंदर, क्योंकि सिलेंडर ना ठंडी की वजह से जाम हो गया। और अभी तक इडली आई नहीं है, 6 बजने के लिए जस्ट 10 मिनट है, मुझे लगा कि इडली आई रहेगी। भाई कोई ना, रामा भाई ने बोला इडली नहीं आएगी। आए बराबर मैंने लेके आने बोले कल से ना, मैं खुद आने का डैडी को फोन करके बोलने का कि मेरे को लेने आने का वहाँ पिकअप करने, और मैं वहाँ से आधे डे में वैन लेकेगा। कैसे मन लेगा, मैं पागल नहीं तुम्हारे लोग जैसे कि यहाँ पे आके वापस से वैन लाने जाऊँ, ठीक है ना? बहुत बड़ा तीर नहीं मारा मेरे को लाके, तीर मारा क्या? बहुत लंबा घर नहीं है। जरा चाय बिस्किट खिला दो, बिस्किट नहीं आज तेरे को देने का खाने पीने को। लेके आई थी जो था ना, 3 बेडरूम का क्या बात है? अरे पापा कैमरा वाले बोलून टाकल, ग्राउंड फ्लोर ला गोडाउन राहते, ह्याच्या वरती आपला मोठा हॉल किचन आणि वरती 3 बेडरूम। हा तसाच मग हे सर सोडून ठेवतो आपण, ड्रॉइंगचा भाग कुठे लागला आपण? सगळं तुम्हाला खूप बडी हिंट मिल गई आहे। हा ऐकलेस का मम्मी, ऐकलो का तुम्ही? हिंड मिल गया तुम लोग को सुबह सुबह, जो मैं इतने टाइम से छुपा रहा था, डैडी ने खुद बोल दिया भाई कैमरा पे, ये वाला घर बांधने वाले हम लोग। ये जो 20 साल से तुम लोग ने घर, 1 साल में ही देखा तुम लोग ने ये घर को बस, और 20 साल से मतलब हम लोग यहाँ पे मैं बड़ा हुआ, और ये घर तोड़ के ना हम लोग नया बनाएगा, और अच्छे से काम वगैरह के लिए सेटअप भी अच्छे से होगा, और हम लोग यहाँ पे ही रहने को आएंगे। जुदा हो के भी तो मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के आंसू, तू चली आती है जुदा हो के भी। सुबह सुबह गाना गाने को जो मजा आती है ना भाई, क्रेजी शिट भाई। चले मेरा ब्रेकअप वगैरह हो गया भाई, ये सब चक्कर में मैं नहीं गिरता लड़की लोग के, पर आदमी को जब भी गाना गाने का मन होता है गाना गाना चाहिए भाई। लेट्स गो गाइस, 6:14 हो रहा है जस्ट, और 5 मिनट में ना इडली आ जाएगा, इडली आने तक अपन चाय बिस्किट खा जाएगा। काय दौड़ थका झाली का नहीं? काय दौड़, 15-20 आवाज द्यावा लागतं राव तुला, 5 बजे से आवाज दे रहा मतलब दौड़ होश में है, दौड़ को मालूम है कौन कभी आ रहा उठा दे। सब रख दिया, ये सिलेंडर रख देना, और ये किधर है? 3 सिलेंडर लगते अपने को, उठा उठा ये रख, भरेला है ना, हल्के दिख रहे मम्मी ये तो हल्के उठ रहे, दौड़ पकड़ ले लेगा, तीसरा सिलेंडर लेगा जल्दी। दोनों में पता नहीं अभी, इसको तूने बोला है ना, तू ही देख। नहीं बोला, अरे इसने तेरे को नहीं बोला अभी तक रखने, तो क्यों रखा फिर? हल्के सिलेंडर है, तूने बोला है ना, कहां बोला? समझो रे जरा, नहीं ले चलता है ना ये, भर ले क्या? नहीं ये नहीं चाहिए ना, एक सांबर चलिए, सांबर के लेगा एक निकाल ले जो सबसे हल्का वाला, और ये दोनों ऐड कर दे उसके अंदर, जा उठा ना इसको, उठा लगा ताकत, चल दौड़ येड़ा हो जाएगा हम तो काम करते करते। आप अंदर वाले घर में रख, और वो बड़ा वाला वैन में डाल दे, आ जा जल्दी। चल तो 7:10 हो चुके हैं, और काम वगैरह क्या बड़े, 1 सेकंड मैडम थोड़ा पलटी कर लेता हूँ भाई। औषे भरलं माल सगळं, काय काय भरलं? बटाटा, कांदा, टमाटा, पांढरा भोपळा, कढीपत्ता, कोथमीर, मिरची। पांढरा भोपळा जास्त दिले मावशी तुमच्या हिशोबाने दिले का?
ठीक है। और एग्जैक्ट देखो दोपहर के कितने बज रहे हैं, 1 बज रहा है। आ गया हो अभी, काम वगैरह एडजस्ट करके आओ और सब मार्केट का मतलब वेजिटेबल जितना भी है ना सारा लेने का, सारा वेजिटेबल्स लेके चला जाऊंगा घर पे मम्मी के पास। और सुबह से ना कंटिन्यू भाई कंटिन्यू 7 से 8 घंटा कंटिन्यू लगातार काम था, तो काम तो खत्म हो चुका है मेरा, जस्ट लेके जाना है अभी। और बिजनेस में रिकॉर्डिंग मैं कर नहीं पाता, तुम लोग को पता मैं काम कर रहा, बट आने वाले टाइम में हम लोग वो भी करेंगे, एक आइडिया है मेरे पास तो वो बता दूंगा मैं तुम लोग को, और तुम लोग शायद ही वो चीज ना काफी ज्यादा पसंद भी करोगे। कुछ बात कर रहा जी, फोन पे बात करने का नहीं जरा सरल बोल, सीधा बोलने का क्या इज्जत, हाँ इज्जत है भाई इज्जत ना, तो भाई अब और यहाँ पे ना के घर पे चलते फिर हम लोग हमारा काम करेंगे। खाना क्या बनाया, खाना क्या बना, ये क्या मेरे को नहीं समझता सब्जी कौन सी हो, कौन सी सब्जी है ये, ऐसा बोलो ना फिर मेथी है, इतना दिखाने की जरूरत नहीं मेथी है करके। हमारे अंकल आए भाई सारा टेम्पो में का ना सारा सामान निकल के ले रहे, और सारा नया नया माल पोते का उड़द दाल शेंगदाना और रवा इडली रवा सब 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 पूरा मतलब नए पोते वापस से लग गए एकदम। मामा एवढा वरती कसं लावलं तुम्ही, चला उचलून कसं का फेकले का वरती, चांगले अजून किती पोते आहेत मामा, आता वापस येणार आहे टेम्पो अजून भाई नाके हो गया इधर ही, और एक सेकंड टेम्पो आ गया, हमारे मामा माल वगैरह निकल रहे भाई, इडली रवा के पोते आ गए, आई वाले पोते भी जमा रहे अजून, बापरे तिकडल्या घरी फक्त तुला गुण द्यायचं आता बस। और बाहर के टेम्पो में क्या है और भी बताता है तुम लोग को मेरे को, बाहर के टेम्पो में इडली रवा, ये कुठला पोता है, सागर है का, इडली से है का, अच्छा ये एलवीटी का, नीचे दूसरा है, और यहाँ पे सारे तेल के डब्बे भाई, और हर दिन ना हम लोग को एक तेल के डब्बे में 2 दिन चले जाते हैं भाई, इतना तेल लगता है हमेशा। और सेकंड टेम्पो भी अभी पूरा इसमें का माल अनलोड वगैरह हो जाएगा, फिर ये माल जाएगा अंदर, पूरा 2 टेम्पो का माल अंदर बैठता अपने पास, क्या बोलता विषय है भाई एकदम खुले का आत्मजी लावतात मामा, मामा लावायला सोडतो नाही सो मामाला असं, इधर ये वाला जगह जो है ना इधर तेल के डब्बे बैठे सारे, मामा असं नको करो पोते आमच्या अंगावरती नको घाला, पूरा घर भर गया भाई माल से भी, इधर लाइन से सारे पोते लग चुके हैं, और वापस आ रहे ना मम्मी जा पे रुकी, वापस सारे तेल का डब्बे लग चुके हैं, और मैंने भी मदद किया अंकल को तेल का डब्बा उतरने में हो गया मामा लवकर लवकर झालं का डब्बे उतरू लगल, हाँ ये जितना भी माल है ना ये कितना महीना जाएगा अभी ऑलमोस्ट 1.5 महीना 1.5-2 महीना चला जाएगा। मेडिकल ला जाऊन तिचं जेवण पण आणलं उशीचं, आता नाही येता ना मेरा काम मैं कर रहा हूँ भाई, ये लोग जा रहे हैं मुझे छोड़ के खाने को, इन्होंने मुझे इनवाइट किया बट मैं जा रहा नहीं हूँ क्योंकि ठंडी बहुत है बाहर, और अपने को अपना काम बहुत इम्पोर्टेंट है। अरे मम्मी इधे ना मला पण आणि काय तर नक्की खायला, आज येऊ मी उगते दहीपुरी खायला चालली, तुम्ही तुमलो जो भी खायगे थोडासा लेके आओ थोडासा, आता त्याला लुसीला काय घाण सवा लागली असली, लुसी को क्या ये लोग करे इसको इसको बोलो उल्टा बात कर रही थी, अब इसका ऑर्डर जो था ना ये अराइविंग बाय टुमारो 9 PM कैंसिल दिस डिलीवरीज करता कर भैया कैंसिल, तुला का मी भिऊन जीणार नाही माझी जिंदगी, करू लास्ट टाइम विचारतो तो बघ बहुत कॉमेडी है भाई। मुझे ना बहुत गंदा रिग्रेट हो रहा है, इधर इतनी ठंडी है और हम इतने दूर आए इधर खाना खाने, और मैं अकेली गाड़ी भी मैं देखो पूरी सॉक्स भी पहन के आई हूँ, तो भी इतनी गंदी और ठंडी अभी तो शुरू हो गई, और वो लोग का अलग ही चल रहे हैं उधर पेट्रोल भर रहे, मेरी ठंडी के कारण एयरटाइट फीस हो गई है, जल्दी जाऊँगी गर्म गर्म खाना बिटाऊँगी उधर से डायरेक्ट culti.com। मेरे लिए बहुत कुछ लेके आया भाई खाने को, और इसने कुछ तो बहुत ज्यादा बोला है सुनने को आया मेरे को, मेरी मम्मी बोल रही थी ये पागल लड़की बहुत ज्यादा बोल रही थी मेरे बारे में, कुछ दिखा था सुबह सुबह फिर नहीं देता, फिलहाल खाना खा लेते हम लोग, सॉक्स पहने तो शिकुन का 2 लाखाच्या शाळा मध्ये तुझ्या, हाँ अनपढ़ है सर बब्बी सॉक्स पहनने को नहीं आता भाई इसको, इतनी पागल पैदा हो गई, जाल बोल बॉटल फेंकून मारतो डोक्यात, सकाळी उठायचं पीस आउट।